हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। तो ऑक्सीडेशन फाइंड नंबर करने के लिए क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है HNO3, यानी पहला क्या है HNO3। ठीक है, यहाँ पर क्या करना हमें, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, प्लस की वन होती है। नाइट्रोजन फाइंड करना है, एच मान लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती, माइनस का दो, और यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर थ्री से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, बराबर जीरो के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वन हो जाएगा, प्लस का एक्स, माइनस का थ्री टू जा कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का फाइव बराबर जीरो। तो एक्स को जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का फाइव हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें पता चला कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की फाइव है। दूसरा ले लेते हैं इसी तरीके से, दूसरा क्या है, HSO3 माइनस। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हमें सल्फर की फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन की वन होती है ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है। सल्फर फाइंड करना है, एक्स मान लेंगे। हमें पता है कि ऑक्सीजन की माइनस का टू होती है, थ्री से मल्टीपल हो जाएगा, तीन है यहाँ पर, बराबर माइनस का वन। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज लगेगा उधर लिख देंगे। ठीक है, वन प्लस एक्स माइनस हो जाएगा, और थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू माइनस का वन। यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू माइनस का वन। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस का वन प्लस का फाइव। तो यहाँ पर बचेगा एक्स इक्वल टू प्लस का फोर ऑक्सीडेशन, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी आगी, प्लस की फोर आगी। ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं हम लोग KMnO4। यहाँ पर थर्ड नंबर आ जाएगा KMnO4। यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, प्लस की वन होती है। Mn फाइंड करना, x मान लेंगे, प्लस हमें पता है कि ऑक्सीजन माइनस टू होता है, फोर से मल्टीपल हो जाएगा, बराबर जीरो। ठीक है, वन प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस, फोर टू जा एट इक्वल टू जीरो। लेस कर देंगे वन इससे, तो एक्स माइनस सेवन बचेगा इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का सेवन। ये हो गई हमारी एम एन की ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से देख लेते हैं H2SO5 की, फोर्थ नंबर देख लेते हैं H2SO5। सल्फर फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की। हाइड्रोजन वन होता है, यहाँ पर दो हो जाएगा, सल्फर एक्स मान लेंगे, माइनस फाइव टू जा टेन हो जाएगा, बराबर जीरो होता है। लेस कर देंगे, x माइनस एट हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का एट, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरीके से हम आगे देख लेंगे, इसको रेज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं H2S2O8, यानी H2S2O8 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन पता है वन होता है, यहाँ पर दो है तो फिर दो हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर एक्स मानेंगे, डबल है तो टू एक्स हो जाएगा। ऑक्सीजन एट टू जा सिक्सटीन, माइनस का बराबर जीरो, ये लेस हो जाएगा। टू एक्स माइनस कितना बचेगा, फोर्टीन, और टू जीरो। टू एक्स इक्वल टू क्या होगा, उधर ले जाएंगे तो प्लस का फोर्टीन, एक्स इक्वल टू हो जाएगा तो फोर्टीन अपॉन टू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का सेवन। ये हो जाएगी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। आगे देख लेते हैं NOCl, NOCl नाइट्रोजन फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की। तो यहां पर N, यानी N की फाइंड करना है, इसको एक्स मान लेंगे। ऑक्सीजन की माइनस का टू होती, क्लोरीन माइनस वन होती, बराबर जीरो। जोड़ देंगे, माइनस का थ्री हो जाएगा, बराबर जीरो। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री। ये हो गई हमारे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर। HCl में कार्बन की आपको फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, उसके बाद चल लेते हम लोग NH4NO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर NH4। ठीक है, हमें नाइट्रोजन की फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, x मान लेंगे, हाइड्रोजन प्लस फोर हो जाएगा, प्लस x माइनस थ्री टू जा सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, टू एक्स हो जाएगा,
इससे लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या होगा उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 2 अपॉन 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, CaOCl2 की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करके बताना है कमेंट बॉक्स में।